सर चल रहे हैं। भाई सर आप जब ट्वेल्थ में थे तो आपको कितनी खर्ची मिलती थी? मुश्किल से आई यूज़्ड टू गेट अराउंड अबाउट 100 रुपीस। दीदी आप जब ट्वेल्थ में थे तो कितने पैसे कमाते थे? कितने पैसे आप कमाते थे? कमाते मैंने ग्रेजुएशन में जाकर पैसे कमाए। आवाज आ रहा है पीछे से? दिवांशी ट्वेल्थ में, ठीक है। अब बाली साहब के साथ और दीदी के साथ एक समस्या है, क्या इनकी उम्र में वेस्टेज नहीं था? और दिव्यांशी के साथ ये एडवांटेज है कि इसकी उम्र में वेस्टेज है। तो अभी ट्वेल्थ के पेपर सारे हो गए, कितने रह गए? सर दो बचे। कौन कौन से बच गए? सर फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। मेरा मन करता है पेपर देने का। अच्छा मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, पूछ लेता हूँ कि दिव्यांशी का हाईएस्ट पे आउट वेस्टेज से कितना है? सर अब तक हाईएस्ट पे आउट तो 156,000 का है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है या नहीं है? यस बिल्कुल है। दिव्यांशी अभी 12वीं के पेपर दे रही है और 1,00,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे है। अच्छा पापा की सैलरी कितनी है? सर मुझे नहीं पता बट जब भी मांगे हैं मना ही किया है। अभी पापा तुझसे मांगते हैं? नहीं सर मांगते नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कि कितना आ रहा है, हो सकता है। मतलब पहले तो ट्यूशन फीस वगैरह सब उनसे ही मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब हम खुद दे देते हैं। मोबाइल फोन भी है? कौन सा फोन है? सर अभी मेरे पास वीवो का है टॉप वाला। और लैपटॉप भी? मैकबुक है सर। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। मतलब अभी जो 99% उम्र में कैसे बड़े होंगे? 99% कुछ कहना चाहती है? अभी भी टाइम है अपनी जिंदगी बदलने का, और जब मैं बदल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? और हमारे पास हवा तेज चलती है तो इसको उड़ने का खतरा रहता है। एक बार उड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं पकड़ के लाया। वही तेरी उम्र? 21। अच्छा तेरा हाईएस्ट पेआउट कितना है? 1,40,000। 1,40,000 कहा शर्मा रही हो? कहीं ना कुछ मांग थोड़ी रहे हैं 1,00,000 मुझसे। यहाँ पे आने पर अपना दिमाग मत लगाना, सुन सके कहने पे चलना। ये बढ़िया बहुत जल्दी। उम्र 20 साल और महीने की कमाई 1,04,687 रुपए। बिहार से? पटना बिहार से, जहाँ से दिवाली साहब आए थे। ऐसा लग रहा है कि 20 साल की उम्र में 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। सर ये तो 6 महीने में ही कमा रहा हूँ, 20 साल तो दिया नहीं, 20 साल तो कहीं और मुझे। तो 6 महीने वेस्टर्न में काम किया और आज 1,00,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। नाम? सर प्रशांत राजपूत। प्रशांत उम्र कितनी है? 19 बरस। मासूम हो? कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से हो, जहाँ के ताले हैं। तो महीना कितना कमाते हो? 1,17,000। 1,00,000 से ऊपर हर महीना और ऊपर 19 साल। सुना है गाड़ी के लिए हो? हुंडा एवेन्यू लिए हो। कुछ कहना चाहते हो? चाहता हूँ कि सर मैं टेलर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, फादर साहब एक टेलर है। फादर आपके टेलर है? तो सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को हालातों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कि अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि गरीब पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी है, बट गरीब मरेंगे नहीं। हमारे ऊपर मतलब बोलूँ की हमारे
हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात है। माहौल में जहाँ पर हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि हम कर सकते हैं, तो हमें हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यार हमें करना है, ताकि लोग हमें बोले कि यार इसमें कर ले तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं सर, बहुत बहुत बधाई हो। अनिशा जी, आप 19 साल के थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप ऐसा बोल सकते थे जैसे ये बोल रहे हैं? सच बताइए। सच बताऊंगा कि जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी कॉल्ड जीसीस। अच्छा। तो उसमें जो यूथ को यूथ क्लब उनका होता है, व्हिच एक्चुअली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ यूथ, तो मैं उसका एक हिस्सा था। तभी बोलने में शुरुआत में ही सही अच्छा था, राइट? पर मैंने पॉइंट ये है कि 19 साल का लड़का अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है। मुझे याद है जब 19 साल का मैं कॉलेज में था, तो मुझे मोटरसाइकिल लेना था, उसके लिए 3 महीने ड्रामा करना पड़ा था अपने फादर के सामने, तब जाके मोटरसाइकिल लेना था। बहुत-बहुत स्वागत। आपका नाम? ईशु चौधरी। चौधरी साहब, कितने साल के हो? 20 साल। 20 वर्ष के हो? शादी हो गया? नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। पूछ लेने में क्या बड़ा है? तो उम्र चेक कितना आता है महीने का? 144,547। 144,547। दीदी 20 साल उम्र है, बैठे आप बैठे हो, 20 साल उम्र है और 144,000 है। 37 साल की जॉब के बाद 144,000। आपका वो अपनी कहानी है। उस टाइम वेस्टीज होती तो मैं भी आज यही करूंगा। के बाद आने वाली हूँ मैं। अच्छा सुना दीदी, क्या आईडी कौन लगाएगा अपने डायरेक्ट? कोई चांस नहीं, अपन लगा चुके हैं। नाम? सत्येंद्र भट्टर। उम्र? 20 साल। इसका उम्र 20 साल है। इस समय पूछते हैं कि वेस्टर्न मैंने से पहले ये क्या करता था? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब डीएलएफ कमेले बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब डीएलएफ कमेलियंस गुड़गांव। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नौकरी में क्या करना होता है? सर मेरा काम था पार्किंग लगवाना और लेबरों की एंट्री करना, उनका कोरोना का टेम्परेचर नापना, और उन्होंने सेफ्टी शूज पहने हुए कि नहीं, सेफ्टी जैकेट पहने हुए कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी। सैलरी कितनी मिलती है? 12 घंटे के 12,000। 12 घंटे के 12,000 रुपए सैलरी। अभी महीना कितना कमाते हो रे बाबू? 1,45,500। एक सिक्योरिटी गार्ड जो 12,000 की नौकरी पे था, 12 घंटे की नौकरी, और कितना समय हो गया? 25 साल हो गए वेस्टर्न में? नहीं सर, अभी 17-18 महीने। 17 महीने और 1.5 लाख रुपए पर मंथ आते हैं, तो कैसा लग रहा है? सर मैंने ये बात पहले बोली थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगता है, लेकिन घर वालों को भी, कि जो पापा हैं वो इतनी अच्छी तरह से इज्जत करते हैं, जैसे जो मेरे जीजा जी हैं उनकी भी इज्जत नहीं होती है। अच्छा जीजा जी कहीं सुन लेंगे? सर उनकी आईडी लगी हुई है तो कुछ नहीं। 1,00,000 रुपए पर मंथ आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा। कुछ मैसेज संदेश, सिर्फ 30 सेकंड। सर मेरी तरफ से बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में बेस्टी जैसी कंपनी है और टीएसएस जैसा परिवार, उसमें टीएसएस की एजुकेशन है, अगर हम फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। और मैं बस एक चीज आपको दिल से बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, बाकी सभी लोग यहाँ पर जो खड़े वो कर सकते हैं, तो आप में भी वो हिम्मत है, आप 101% कर सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास करो, सोचने की हिम्मत करो। ये सारे के सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स हैं हमारे, और मैं चाहता हूँ इन सब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फिडेंस आ रहा है आज सबने बोलने का ना, ये इस वेस्टर्न की वजह से आ रहा है, क्योंकि आज वेस्टर्न लग रहा है, ये भी आपने कहा आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जाकर खाली यही नहीं बैठना, अपने जैसे हजारों लोगों को मोटिवेट करना है जाकर आप लोगों ने, ताकि वो भी इस परिवार से जुड़कर।
बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर। पहले टेम्परेचर नापते थे, अभी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। सोलह तालियां सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम।